हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर जो है डिस्कस करूंगा, रीजनिंग का टॉपिक हुआ है, वह टॉपिक है आपका रीजनिंग का कैलेंडर, यानी कि पंचांग। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पंचांग जो टॉपिक होता है आपका कैलेंडर, इसका कितना जो है रीजनिंग में ज्यादा जो है मेन रोल होता है। दोस्तों, आपका कोई भी जो है एग्जाम हुआ, या तो आपका SSC का हो, या रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, या RRB का हो, यानी कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो है रीजनिंग आती है, तो उसमें से दोस्तों किसी भी अदर टॉपिक का जो है क्वेश्चन आए ना आए, बट आपका कैलेंडर जो होता है उसका बहुत ही चांस है जो बनते हैं कि उसका एक दो या तीन क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाए। तो दोस्तों, इसका बेसिक जो है बहुत ही शानदार है, और अगर आपको जो कैलेंडर एक बार जो अच्छे से जो आपने अध्ययन कर लिया, तो जिंदगी में जो आपको द्वारा जो है दोस्तों बिल्कुल जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं उसी लेवल से जो आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका जो बेसिक होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस जो होता है वो मजबूत होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उसी लेवल से जो आपको पढ़ाऊंगा। पहले तो दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो कैलेंडर होता है वो दोस्तों आखिर होता क्या है। कैलेंडर जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका दिन, सप्ताह व महीना व वर्ष को दर्शाने का एक माध्यम होता है, जिसको जो है कैलेंडर कहते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हमको आखिर पढ़ना क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कई टाइप के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। तो या तो दोस्तों आपको कोई भी तिथि दे देगा, कोई भी तारीख दे देगा, उस तारीख के आगे जो है पूछ लेगा, या उस तारीख के पीछे पूछ लेगा, और आपसे कोई बार दे देगा और पूछ लेगा आपसे। तो दोस्तों, इस तरह के यानी कई टाइप के जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसका बेस जो होता है उस बेस को जो है मजबूत कर लेते हैं। तो दोस्तों, बेस जो है क्या होता है, पहले तो इसमें जो हमको आकर जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है आपका दिन, यानी कि डे। पहले जो आपका पढ़ना होता है दिन। दोस्तों, दिन क्या होता है कि किसी भी सप्ताह का सातवां भाग जो होता है उसी को दोस्तों दिन कहते हैं। दिन जो होता है वो आपके 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। दोस्तों, दिन जो होते हैं एक सप्ताह में जो होते हैं वो आपके 7 दिन होते हैं, यानी सप्ताह में। वर्ष में जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपका 365 साधारण वर्ष में, और आपका 366 जो होते हैं वो होते हैं आपका लीप वर्ष में। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आपका क्लियर होगा तो आप जो है बहुत ही अच्छे से जो कर सकते हैं। और दिन जो होते हैं महीना में जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, वो भी मैं जो आपको क्लियर कर देता हूं। तो उसके बाद जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है आपका वीक, यानी कि सप्ताह। ये जो होता है वो होता है आपका सप्ताह। तो दोस्तों, इसको जो आप पढ़ना होता है, सप्ताह जो क्या होता है कि एक वर्ष का वो है 52वां भाग, यानी एक वर्ष जो होता है लीप वर्ष हो या फिर आपका साधारण वर्ष हो, तो उसमें सप्ताह जो होते हैं वो होते हैं आपके 52, चाहे आपका लीप वर्ष हो या फिर साधारण वर्ष हो। तो सप्ताह जो होता है उसमें जो आपके दिन की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 7। 7 कौन से दिन होते हैं आपको पता हुआ, आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये जो होते हैं दोस्तों आपके दिन होते हैं 7, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका सप्ताह जो हो गया, और किसी भी वर्ष में यानी कि 52 जो है वर्ष होते हैं, चाहे आपका साधारण वर्ष हो उसमें भी जो है 52 सप्ताह होंगे, लीप वर्ष हो उसमें भी जो है 7, तो ये जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका मंथ, यानी कि महीना। महीना दोस्तों क्या होता है कि किसी भी जो वर्ष का 12वां भाग जो होता है वह महीना होता है। दोस्तों, एक वर्ष में जो होते हैं वो महीना होते हैं, महीनों की संख्या होती है वो होती है आपके 12। एक वर्ष में जो 12 महीना होते हैं, बट इसमें जो है अलग अलग होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक महीना है आपका 31 दिन का तो 31 दिन के ही सारे बने रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, महीना जो होते हैं वो आपके 30 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, और 31 दिन का भी होता है महीना, ये जो जैसा कि आपको जो पता होगा। तो दोस्तों, इसको जो आप कैसे जो पता कर सकते हैं कि कौन सा महीना जो है कितने दिन का होता है, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार जो जबरदस्त ट्रिक है। अगर उसको जो आपने सीख लिया तो आपको कोई भी जो है कभी भी जो है कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं होगा कि कौन सा महीना जो होता है दोस्तों वह कितने दिन का होता है। तो ट्रिक क्या है, वो है आपकी कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30, यानी जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, और बाकी जो है फरवरी जो होता है फरवरी 28 या फिर 29,
मानिए बाकी सब 31, बाकी सब 31। तो दोस्तों इससे जो आपको पता तो चल रहा होगा कि कौन सा महीना जो है होता है दोस्तों आपका, वो कितने दिन का होता है, जैसा कि आपको जो पता चल रहा होगा। तो दोस्तों मैं जो आपको लिखकर जो बता देता हूं कि जो आपको जो बोल रहा है यानी कि जून नवंबर, तो आपका पता चल गया कि पहला आपका जून, उसके बाद जो आपका नवंबर, जून नवंबर जानिए, और उसके बाद अप्रैल, उसके बाद सितंबर। ये जो दोस्तों महीना होते हैं वो आपके 30 दिन के होते हैं, जैसा कि आपका आपको पता हुआ कि आपका ये जो महीना होते हैं वो आपके 30 के होते हैं। ये जो आपका 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये जो चारों महीना जो होते हैं 30 दिन के होते हैं। उसके अलावा जो आप नीचे आएंगे तो इस पर जो आपको बोल रहा है कि फरवरी जो होता है, फरवरी 28 या फिर 29, 28 या फिर 29, यानी आपका लीप वर्ष जो होता है दोस्तों उसमें आपका 29 दिन का होता है, साधारण वर्ष होता है उसमें जो होता है आपका 28 दिन का होता है, और बाकी अलावा जो महीना होते हैं आपके वो दोस्तों होते हैं वो आपके 31 दिन के होते हैं, यानी कि किसी भी वर्ष में चार जो महीना होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके 30 दिन के, एक जो महीना होता है फरवरी का वो होता है या तो 28 का या फिर 29 का, और बाकी जो 7 महीना बचते हैं वह दोस्तों होते हैं आपके 31 दिन के। तो मैं इस तरफ जो है दोस्तों लिख देता हूँ, तो वह कौन से महीना है, तो पहला जो हो गया आपका जनवरी, जनवरी फरवरी आपका है ही, उसके बाद मार्च, उसके बाद में जो होता है वो होता है आपका मई, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अगस्त, उसके बाद में आपका अक्टूबर, उसके बाद में दोस्तों वो होता है आपका दिसंबर। तो यह जो दोस्तों महीना जो होते हैं वो होते हैं आपके 31 दिन के सभी। तो ये जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इसको भी जो है रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका हाथ जो है इसको भी जो है इसके मदद से भी जो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरफ से जो आप चलना जो प्रारंभ कर सकते हैं आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जो भाग ऊपर है वो आपका ऊपर होगा यानी कि 30 होगा वो 31 होगा, और जो भाग नीचे है वो आपका 28 होगा या 29 होगा या फिर 30 होगा। वो कैसे होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो आप इस तरफ से जो चलकर देख सकते हैं, यानी जनवरी यानी ऊपर है तो 31, फरवरी यानी कि नीचे है तो आपका 28 का होगा या फिर 29 का, उसके बाद में मार्च तो ऊपर है तो 31, अप्रैल नीचे है तो 30, उसके बाद में जो आपका मई जो होगा वो 31 का होगा ऊपर है, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद अप्रैल मई, उसके बाद जून आएगा आपका तो नीचे आएगा, उसके बाद में आपका आएगा जुलाई तो आपका ऊपर 31 का होगा, उसके बाद में जो आएगा जुलाई के बाद अगस्त, तो दोस्तों इस तरफ भी ऊपर था और इस तरफ से जो इस तरफ आए तब भी जो दोस्तों ऊपर है। तो ये जो आपको एक बात जो है रिलेटेड जो है बिल्कुल कर पा रहे होंगे दोस्तों कि आपका जुलाई और अगस्त ये दोनों महीना ऐसे महीना होते हैं जो समान और समान होते हैं दोस्तों आपके 31 दिन के होते हैं। हालांकि दोस्तों आप लगातार होते हैं तो हर बंदा जो है जिस बंदे को पता होगा वही बंदा जो है बता सकता है कि, क्योंकि अगर आपका जुलाई और अगस्त ये दोनों ही जो 31 दिन के होते हैं वो लगातार हैं, तो दोस्तों आप इससे जो पता लगा सकते हैं आपका जो हाथ होता है, तो इससे जो बिल्कुल आप किसी भी महीना का जो पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके महीना, इसको जो है मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में जो दोस्तों हमको पढ़ना होता है वो होता है आपका ईयर यानी कि वर्ष, ये जो आपका पढ़ना होता है वो होता है वर्ष। वर्ष जो होती है दोस्तों वह जो होती है आपकी दो टाइप की होती हैं, यानी एक होती है आपकी लीप वर्ष, लीप वर्ष लीप ईयर, और एक सेकंड जो होती है वो होती है आपकी ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, या आप इसको जो कह सकते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, और इसको दोस्तों जो कहते हैं वो कहते हैं आपका लीप वर्ष,
लीप वर्ष, या दोस्तों इसको जो कह देते हैं अधिवर्ष। कभी कभी जो एग्जाम में जो लीप वर्ष ना देकर एग्जाम में दे देता है अधिवर्ष, तो दोस्तों अधिवर्ष भी जो है दोस्तों इसी को जो है कहते हैं। तो दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होता है आपका कि ये जो लीप वर्ष होती है उसमें जो होता है आपका पूरे साल जो होती है उसमें दिनों की संख्या जो होती है वो होती है आपके 366, और आपकी साधारण वर्ष जो होती है वो होती है आपकी 365 दिन की, यानी कि इसमें जो होते हैं 365 दिन होते हैं और इसमें जो होते हैं वो होते हैं आपके 366। जब दोस्तों इनको जो सात से हम जब डिवाइड करते हैं तो इसमें जो दोस्तों सप्ताह जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 52 सप्ताह जो होते हैं इसमें, 52 सप्ताह और एक दो दिन जो होते हैं दोस्तों इसमें, 52 सप्ताह और दो दिन होते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका सप्ताह तो 52 ही होते हैं, यानी 52 सप्ताह और दिन जो दोस्तों इसमें होते हैं वो होते हैं आपका एक विषम दिन जिसको कहते हैं, ये जो दोस्तों पता होना चाहिए। और अगर दोस्तों इसको जो मैं बता दूं कि ये जो लीप वर्ष में एक दिन जो है ज्यादा क्यों होता है, तो जो दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी जो है हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसमें जो जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है आपका 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45 सेकंड, इतना जो दोस्तों ये जो है लगभग जो इतना टाइम लगता है। तो दोस्तों ये जो 5 घंटा ऊपर का जो होता है 5 घंटा 48 मिनट, ये तो दोस्तों जो है 4 साल में जो है 24 घंटे के बराबर जो इसको जो मान लिया जाता है, तो इसलिए जो है वह एक दिन जो है फालतू हो जाता है। अगर उस एक दिन को जो अगर आप काउंट नहीं करते हैं तो आपका कैलेंडर जो है दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों उस एक दिन को जो अकाउंट कर लेते हैं, बट करते कब है उसको जो है करते हैं आपका 4 साल बाद करते हैं, तो आपका 4 साल बाद करते हैं तो आपका एक दिन जो है 29 फरवरी के रूप में जो आपका फरवरी महीना होता है उसमें जो जुड़ जाता है। तो है दोस्तों आपको पता होगा कि फरवरी जो है इसमें 28 का होता है और इसमें जो होता है वो 29 का होता है। तो चलिए मैं जो इसको बेसिक से जो आपको बता देता हूँ। तो आपका पहले जो आपका लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर, ये जो दोस्तों होता है वो आपका इसमें जो है आपका दिन जो होता है वो होता है आपका 366, आपका सप्ताह जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 52 सप्ताह होता है, और दो दिन जो होते हैं वो ऑड डे होते हैं यानी विषम दिन, दो दिन जो होते हैं, इतना जो है दोस्तों इसका जो प्रोसेस होता है इसमें। और इसमें जो आपका फरवरी जो होगा वो दोस्तों होगा वो आपका 29 दिन का होगा, ना कि 28 का, 29 दिन का होगा। और 29 दिन का होगा वो कौन सी साल में होगा, तो आपका दोस्तों आपका जैसे सपोज करो आपकी जो है साल है यानी कि 2021, ये जो 2021 है तो ये दोस्तों इसमें जो है लास्ट के दो अंक है उसमें 4 का भाग जो है नहीं जा रहा है, तो आपका इसमें जो है फरवरी जो होगी वो आपकी 28 दिन की होगी। उसके बाद में 2022 में लास्ट में जो है 4 का भाग नहीं जा रहा है तो आपका इसमें भी दोस्तों आपकी 28 दिन की होगी। उसके बाद में जो आपका आएगा 2023, इसमें भी लास्ट के दो अंक है उनमें 4 का भाग नहीं जा रहा है तो ये भी जो दोस्तों आपकी वर्ष होगी वो होगी आपकी साधारण वर्ष। उसके बाद आएगी आपकी 2024, तो 2024 दोस्तों क्या है इसमें जो है लास्ट के दो अंक है उनमें 4 का भाग जो जा रहा है, तो इससे जो आपको पता चल रहा होगा कि यह वर्ष जो होगी वो आपकी लीप वर्ष होगी और इसमें जो फरवरी जो होगी दोस्तों वो आपकी 29 दिन की होगी, ये जो आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभी जो क्या होता है एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है कि निम्न में से बताइए कौन सी लीप वर्ष है कौन सी लीप वर्ष नहीं है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में जो आ जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल जो है एक दे करके जो बता देता हूँ कि आपसे जो है दे सकता है आपका 2005, 2025, 2008, 2014। तो इसमें जो दोस्तों पूछ रहा है आपसे वो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा जो है वर्ष वो आपका लीप वर्ष है, कौन सा जो है इसमें वर्ष एक है ऐसा है जो लीप वर्ष है। तो दोस्तों लास्ट के दो अंक इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है तो है दोस्तों आपका लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद जो आपका 25 है इसमें 4 का भाग जो है नहीं जा रहा है तो दोस्तों यह भी आपका लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद आपका 2008 जो आ रहा है तो इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो इससे जो आपको पता चल रहा होगा कि दोस्तों आपका लीप वर्ष जो है वो यही है, उसमें भी जो 4 का भाग नहीं जा रहा है तो भी लीप वर्ष नहीं है। तो यह जो आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जो है दोस्तों आजकल जो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो यह जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है लीप वर्ष होता है कौन सा साधारण वर्ष होता है। तो उसके बाद जो हम चलते हैं आपका
ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष यह जो दोस्तों क्या होता है, इसमें जो दिनों की संख्या जो होती है दोस्तों, वह संख्या जो होती है, दिन जो होते हैं इसमें 365 होते हैं, 365 जो दिन होते हैं। वो सप्ताह की बात करें तो आपके 52 ही होते हैं, 52 सप्ताह, और एक दिन जो फालतू होता है, तो ये एक दिन जो फालतू होता है। उसके बाद में जो आपका इसमें जो आपका फरवरी जो होता है वो आपका 28 दिन का ही होता है, और लीप वर्ष में जो होता है वो आपका 29 दिन का होता है, और इसमें जो आपका फरवरी जो होता है वो आपका 28 दिन का ही होता है, और सप्ताह आपके 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन होता है। तो दोस्तों कभी कभी जो एग्जाम में जो ऐसे भी जो आ जाता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सी जो है लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, यानी कि बताइए कि इनमें से जो है कौन सी लीप वर्ष नहीं है। तो एग्जाम जो है मैं आपको जो है बता देता हूँ, यानी कि 2016, 2018, 2020 और 2028, इसमें इसमें जो आपको पूछेगा कि कौन सी जो साधारण वर्ष है। तो दोस्तों साधारण वर्ष होने के लिए आपके लास्ट के जो दो अंक होते हैं वो 4 से जो है डिवाइड नहीं होने चाहिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो गए तो आपकी साधारण वर्ष नहीं होगी। तो ये जो आप इनको जो 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो साधारण वर्ष नहीं होगी। उसके बाद 18 जो आया है दोस्तों, इस 18 को जो आप 4 से डिवाइड करें तो आपका नहीं होगा, तो आप ऑप्शन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको भी करके देख लेते हैं, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी जो आपका साधारण वर्ष नहीं है। इसको करें डिवाइड तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी साधारण वर्ष नहीं है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो साधारण वर्ष जो है वो आपका 2018 है। तो चलिए इसको हटा देता हूं मैं। और दोस्तों हमको जो है एक और जो दिक्कत कहाँ होती है, वो होती है आपकी कि ऑल डे यानी कि विषम दिन। विषम दिन दोस्तों क्या होता है, उसका भी जो आपको बहुत ही अच्छे से जो है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपका ऑल डे जो होता है उसका जो आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या होता है कि ऑड डे, ऑड डे, या फिर दोस्तों इसको कह सकते हैं आप विषम दिन, विषम दिन, या दोस्तों आप इसको कह सकते हैं अतिरिक्त दिवस, अतिरिक्त दिवस, अतिरिक्त दिवस, यह भी इसको कह सकते हैं। तो यह क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज करो कोई भी जो है, मैं आपको कोई भी एक डेट दे देता हूं, यानी कि आपको मैं दे दूं आपका 10 अगस्त 2021 को यदि मंगलवार है, यानी 10 अगस्त 2021 को मंगलवार है, तो दोस्तों मैं जो आपसे पूछूंगा वो पूछूंगा वो आपको कि बताइए 28 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा। यह जो दोस्तों मैं आपको जो पूछ रहा हूँ, इसको पूछने के लिए पहले तो आपका जो है इनमें अंतर देखना होगा कि इनमें जो अंतर कितना है। तो 28 और 18 में जो अंतर दोस्तों आपको दिख रहा होगा वो आपका 18 का, यानी कि 18 का दोस्तों इसमें अंतर है, अंतर है तो आपको जो है ये दिख रहा होगा, यानी दूसरा महीना होता तो और भी जो हम काउंट करते, बट अब जो हमको जोड़ने की जो है जरूरत नहीं है। तो इनमें जो आपका अंतर जो दिख रहा होगा दोस्तों 18 का है, तो 18 का अंतर है, तो इसको लिए इसको 18 को जो आपको डिवाइड करना होगा 7 से। क्यों 7 से जो है डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका दिन जो होते हैं, दिन की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 7, सोमवार मंगलवार ये जो आपको पता हुआ 7 दिन होते हैं, तो 7 से जो हमको डिवाइड करें। तो दोस्तों हम जब इसको जो 7 से जो है जब डिवाइड करें तो आपका जो 7 दिनी 14 यानी कि 7 दिनी 14, तो 4 जो आपका बचा वो बचा आपका रिमाइंडर, जिसको कहते हैं आपका शेषफल, शेषफल, ये जो दोस्तों आपका 4 जो बचा है वो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल है। तो दोस्तों इसी को जो है आपका शेषफल यानी कि इसी को जो आपका अतिरिक्त दिवस या फिर आपका विषम दिन जो कहते हैं दोस्तों, वो इसी को कहते हैं। ये जो आपका 4 जो निकल कर आया है, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या है यानी कि आपकी संख्या है कोई भी संख्या 52 है, तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आएगा 749, और बाकी जो बचेगा वो बचेगा आपका 2, तो बाकी जो 2 बचा है दोस्तों है जो आपका वो है आपका विषम दिन, विषम दिन, या फिर जो आप इसको कह सकते हैं रिमाइंडर। तो दोस्तों यह जो होता है आपका विषम दिन होता है, तो 2 दिन से आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी दिन दिया हुआ है यानी कि, तो यह जो आपको पता चल गया होगा, तो
तो दोस्तों और दोस्तों कुछ बेसिक सी जो बातें होती हैं वो बातें क्या होती हैं कि आपको जो है पता होना चाहिए कि कोई भी जो है लीप वर्ष या साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष जो दोस्तों आपकी शुरुआत होती है जिस दिन से, यदि इसका 1 जनवरी यानी कि जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन के साथ जो एंड होती है, यानी कि आपका जो है कोई भी वर्ष है यानी कि साधारण वर्ष है, यानी कि बताइए कि यदि 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार है, यदि सोमवार है तो बताइए कि 31 दिसंबर को क्या बार होगा। तो दोस्तों 31 दिसंबर को जो बार होगा वह बार होगा जिस बार से जो है उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो आपकी सोमवार से हुई थी। तो दोस्तों इस दिन भी जो आपका बार होगा वो आपका सोमवार ही होगा, यह जो आपको पता होना चाहिए। बट लीप वर्ष में क्या होता है इसके बिल्कुल जो है अलग होता है। लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों, लीप वर्ष में जो होता है यानी कि बताइए कि यदि 1 जनवरी 2020 को अगर मंगलवार था तो बताइए कि 31 दिसंबर 2020 को क्या हुआ 2020 को। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो आपको जो है वह जिस दिन के साथ शुरुआत हुई थी उसी दिन के साथ एंड होगी, बट इसमें क्या होता है एक दिन आगे चले जाता है, यानी कि जिस दिन से जो है मंगलवार से जो शुरुआत हुई थी तो मंगलवार के एक दिन आगे जाना होगा, यानी मंगलवार है, मंगलवार के बाद आपका आएगा बुधवार। तो यह जो 31 दिसंबर को जो बार होगा वो होगा आपका बुधवार। ऐसे जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको जो क्लियर होना चाहिए, और अगर आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अगर क्लियर होंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को जो आप चुटकियों में जो हल कर सकते हैं, अगर आपके साथ में अगर आपके पास में जो उसका कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में है तो। और इसके बाद में जो हमको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि कौन सा जो होता है महीना वह किस महीना के जो समान चलता है लीप वर्ष में और आपके साधारण वर्ष में, कि कौन सा महीना जो है समान चलता है, तो वह भी जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो वह भी जो है मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं आपका लीप वर्ष के बारे में, यानी कि लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे में जो बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों कौन सा महीना जो होता है वो किस महीना के बराबर चलता है, तो वो जो आपको जो है बिल्कुल जो है पता होना चाहिए। तो आपका जो लीप वर्ष जो होता है दोस्तों वह जो महीना होता है आपका जनवरी से जो स्टार्ट कर लेते हैं, तो जनवरी दोस्तों आपका महीना होता है वो किस महीना के जो है बराबर चलता है, तो आपका जनवरी जो महीना होता है यानी कि जनवरी जो महीना चलता है वो चलता है आपका अप्रैल के लीप वर्ष में, अप्रैल और जुलाई के बराबर जो है दोस्तों आपका चलता है महीना, समान चलता है। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका मार्च जो महीना होता है वह समान चलता है आपका नवंबर के, मार्च महीना जो दोस्तों होता है वो आपके नवंबर के समान चलता है। और उसके बाद जो होता है आपका फरवरी जो महीना होता है यानी फरवरी महीना जो चलता है वो आपके अगस्त के समान चलता है, फरवरी जो दोस्तों महीना होता है वो आपके अगस्त के समान चलता है। उसके बाद जो आपका आता है सितंबर जो महीना होता है दोस्तों वह बराबर चलता है आपके दिसंबर के, इसके बराबर जो है दोस्तों आपका महीना जो चलता है। और रही बात आपके साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में दोस्तों क्या होता है, साधारण वर्ष यानी इसको जो दोस्तों आपको इसको हटा देता हूं, साधारण वर्ष ये जो दोस्तों होता है इसमें कौन सा महीना जो है चलता है किस महीना के बराबर, तो इसमें दोस्तों आपका एक महीना होता है वो होता है आपका जनवरी दोस्तों आपका महीना जो होता है वो है आपके समान चलता है, जनवरी जो चलता है वो आपका अक्टूबर के, जनवरी जो है दोस्तों महीना आपका अक्टूबर के बराबर चलता है। उसके बाद में जो आपका अप्रैल जो चलता है आपका जुलाई के, उसके बाद में जो आपका फरवरी जो दोस्तों महीना होता है यानी कि फरवरी
फरवरी दोस्तों महीना चलता है आपका मार्च, नवंबर इनके इक्वल चलता है, इनके बराबर, और अगला जो होता है वो होता है आपका सितंबर। सितंबर दोस्तों महीना चलता है बराबर, वो चलता है आपका दिसंबर के। उसमें जो दोस्तों आपको लीप बर्थ में भी जो पता चलेगा, आप पता होगा आपको लीप बर्थ में भी जो आपका दिसंबर और सितंबर जो बराबर चलते हैं, और आपके साधारण वर्ष में भी आपका लीप वर्ष में साधारण वर्ष में भी आपका सितंबर दिसंबर जो दोस्तों होते हैं वो आपके बराबर चलते हैं। तो ये जो आपको पता चल गया होगा, इनको जो आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है अगर आपका क्लियर होगा तो बहुत ही अच्छे से जो आप क्वेश्चन को जो है आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में एक और जो स्थिति बनती है दोस्तों, इसमें वो स्थिति बनती है आपकी कि आज के बाद या आज के कल, आज के दो दिन पहले, यदि सोमवार है तो आज के चार दिन बाद कौन सा वार हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई टाइप बनती है जो आपको पता होना चाहिए। तो वो टाइप दोस्तों क्या होती है, वो टाइप जो होती है आपकी, जैसे सपोज करो आपसे जो है एग्जामिनर ने जो बोला है तो बताइए आज के, बताइए कि यदि आज के दो दिन पहले, आज के दो दिन पहले सोमवार है, आज के दो दिन पहले सोमवार है तो बताइए कि आज के चार दिन बाद क्या होगा, चार दिन बाद क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की भी जो दोस्तों एक टाइप बनती है जो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले हमको जो है एक स्थिति बनानी होती है, वो बनानी होती है आज की, यानी कि आज की दोस्तों आपसे जो है बोल रहा है तो ये तो हो गया आपका आज, और यह जो हो गया इस तरफ वो हो गया आपका बीता हुआ कल, यानी कि जो कल जो निकल कर गया है, और यह जो हो गया वो हो गया आपका आने वाला कल इस तरफ। तो इसके लिए आपसे जो क्या पूछ रहा है कि यदि आज, आज से दो दिन पहले, यानी आज से दो दिन पहले, तो दोस्तों उस दो दिन में आज का दिन भी जो है समान, आज का दिन भी जो है काउंट हुआ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के दो दिन पहले पूछ रहा है तो दो दिन में आज का भी दिन समान है, तो दोस्तों उसमें जो आज का दिन समान है तो आज से दो दिन पहले तो ये तो हो गया एक, एक हो गया ये दो, आज से दो दिन पहले पूछ रहा है तो एक और गोला बनाना पड़ा होगा। तो उस दिन क्या था, वो आपका सोमवार था, उस दिन आपका सोमवार है, और पूछ रहा है कि आज के चार दिन बाद क्या होगा, यानी कि आज के चार दिन बाद की जो आपसे पूछ रहा है, तो आज के चार दिन बाद जो होगा वो आज के चार दिन में आज का दिन भी जो दोस्तों आपको काउंट हुआ है, तो आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो हो गया आपका ये, एक ये हो गया, और एक और आपका हो गया, और एक ये हो गया, चार दोस्तों आपके हो गए, यानी कि आज के चार दिन बाद। ऐसा नहीं दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आज के चौथे दिन क्या होगा, आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आज के चार दिन बाद क्या होगा, तो आपको एक और डंडा जो गोला बनाना होगा। तो इस दिन जो, इस दिन आपको जो बताना है कि इस दिन क्या वार है। तो यदि आज सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो इस दिन दोस्तों आपका दिन होगा वो आपका रविवार होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का भी एक टाइप बनता है जो कि आपको जो पता होना चाहिए। और एक जो टाइप बनता है वो होता है आपका अज्ञात वार, जो अज्ञात करना, उसमें क्या हुआ दोस्तों आपको कोई भी जो तिथि देगा उस तिथि के अकॉर्डिंग ही जो आपको दिन पूछेगा, और तिथि के अकॉर्डिंग ही जो आपको दिन निकालना होगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जो दोस्तों बनते हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने इसका जो कुछ बेसिक था वो आपका डिस्कस कर लिया, और अगली जो वीडियो दोस्तों आएगी उसमें जो मैं आपको पहले जो आपका बताऊंगा कि निर्धारित समय, निर्धारित दिन जो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो दोस्तों वह जो टाइप बताऊंगा। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे तो दोस्तों उस वीडियो में जो मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे SSC लेवल तक के वो क्वेश्चन जो सभी जो क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको आप सब्सक्राइब जो है बिल्कुल जरूर जो है कर लेना है। दोस्तों यार वीडियो, जय हिंद, जय भारत।